वो पहली मुलाकात का किस्सा अब तक है जुबानी याद मुझे। उस इश्क की हवा ने छुआ था हल्के से जिसके बाद मुझे। मैं शायर तो पहले से था पर आशिक बाद में हुआ था। वो उससे मिलकर के मेरे दिल के अंदर कुछ हुआ था। मेरे सीनियर्स में एक लड़की थी जिसको मैं देखा करता था। कुछ बोले बिन उससे ही मैं बस चुप चुप आहें भरता था। वो फेसबुक पे भी थी मेरे पर बात हुई थी कभी नहीं। फिर पास हुई वो कॉलेज से, अब रहती थी कुछ कमी कहीं। फिर एक दिन उसको देखा कॉलेज के रिसेप्शन पे बैठा कि हाय मैंने, और पूछा था हाल चाल उसका कैसा। फिर चैट कॉल का दौर बढ़ा और हुई दोस्ती शुरू नई। मैं अक्सर उससे कहता था हो दोस्त तो मिल लो कभी कहीं। फिर अब चैट कॉल का दौर बढ़ा और हुई दोस्ती शुरू नई। मैं अक्सर उससे कहता था हो दोस्त तो मिल लो कभी कहीं। फिर एक सुबह सोते सोते मोबाइल कॉल बजी झट से। नंबर देखा तो उसका था, आंखें खोली मैंने झट से। किसी काम से कॉलेज आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूंगी, तुम ब्रेक में नीचे आ जाना, मैं वेट 10 मिनट कर लूंगी। मैंने बोला कि थर्सडे को मैं तो कॉलेज नहीं जाता हूँ, पर सुनो रुको तुम वहीं रुको, मैं 20 मिनट में आता हूँ। कौन से कपड़े पहनूं मैं, ये टाइम भी निकला जा रहा है। फिर याद आया मुझको कि उसको ब्लैक कलर बड़ा प्यारा है। फिर ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स, दिखता तो मैं भी सुंदर था। और 5 मिनट के भीतर ही मैं ऊबर कैब के अंदर था। मैं पहुंचा तो देखा उसको, थी इंतजार में रुकी हुई। वो सुर्ख गुलाबी होठ उसके और आंखें थी कुछ झुकी हुई। वो उसके उलझे सुलझे से बालों का माथे पर झुकना, ऐसा लगता था जैसे कि हो नजर के टीके का रुकना। वो उसके ईयर रिंग्स का उसके गालों से टकरा जाना, लगता था जैसे कि दिल की एक एक धड़कन बिखरा जाना। फिर कैंटीन से बाहर वाली शॉप से कॉफी का पीना, वो पैनी सी गर्दन उसकी नजरों से छलकती थी मीना। फिर कॉफी पीते कुछ बातें करते करते हम आए वहां, वो VC ऑफिस से आगे है नॉर्थ कैंपस का गेट जहां। हौज खास या हटसन लेन, तुम कहो तो अक्षरधाम चले। हौज खास या हटसन लेन, तुम कहो तो अक्षरधाम चले। ये नई दोस्ती है मैडम, थोड़ा कम झिझकें, कुछ और खुले। ये सब तो मैंने देखा है, कोई और जगह तो बताओ तुम। तुम भी तो फ्लैट में रहते हो, चलो अपना फ्लैट दिखाओ। सीढ़ी चढ़कर आई अंदर, वो बैठी बिस्तर पर आकर। कुछ पल उसको देखा मैंने और फिर बोला कुछ घबरा कर, तुमको घर भी जाना होगा, तुमको घर भी जाना होगा, क्या थोड़ी और मोहलत है। सर रख लूं तुम्हारी गोद में मैं, क्या मुझको इतनी इजाजत है। वो शर्मा आई और बोली कि हाँ बिल्कुल तुम रख सकते हो, और लेटे लेटे ही मुझसे कुछ बातें भी कर सकते हो। आंखों की खिड़की से उसको बस उसको देखना जारी था। वो एक एक लम्हा जैसे लाखों सदियों पर भारी था। बस एक तमन्ना है दिल में, दिल को उसका कुछ प्यार मिले, इन आंखों को फिर से एक दिन उस चेहरे का दीदार मिले, उस चेहरे का दीदार मिले।